बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल छवि अम्मी रेसिपी में। और आज हम बेलपत्थर का जूस बनाएंगे। बेलपत्थर का जूस आपने आज तक मार्केट में पिया होगा, शायद घर पर नहीं बनाया होगा और काफ़ी लोगों को ये बनाना भी नहीं आता है। तो आज बेलपत्थर का जूस कैसे बनेगा मैं आपको सिखाता हूँ। बने रहिए हमारी वीडियो में एंड तक और वीडियो को स्किप नहीं करना। सबसे पहले मैंने यहाँ पर दो बेलपत्थर लिए हैं, दोनों बेलपत्थर 1 किलो के हैं। तो आप यहाँ पर 1 किलो बेलपत्थर ले लीजिए। इसके बाद में बेलपत्थर को इस तरह से तोड़ के जो इसके अंदर गूदा होता है वो हमें सभी किसी चम्मच से निकाल लेना है। इसके छिलके में काफ़ी हार्ड गूदा लगा हुआ होता है, उसको भी सभी को टाइट हाथों से अच्छे से निकाल लें आप। इस तरह से किसी भी भगोने में या किसी भी बर्तन में आप निकाल सकते हैं। दोनों बेलपत्थर को मैं इसी तरह से खाली कर लूँगा। के बाद आप इसमें पानी ऐड कर लीजिए। 2 गिलास पानी ऐड किया है मैंने यहाँ पर। और उसको फिर इस तरह से हाथों से मथते हुए आपको पानी में घोलना है। टाइट हाथों से आपको इसे मैश करना है इस तरह से। थोड़ी टाइट होती है ये, इसके अंदर जाला सा होता है, उस जाले के ऊपर ये गूदा सा लगा हुआ होता है। तो आपको इसे टाइट हाथों से मथते हुए इस तरह से इसका जाल अलग कर लेना है और ये गूदा पानी में सभी घोल लेना है। थोड़ा पानी कम है तो मैंने 1 गिलास पानी और ऐड कर लिया है। अगर आपको भी पानी कम लगे, आपको लगे जूस अभी गाढ़ा है, तो आप 1 गिलास पानी उसमें ऐड कर सकते हैं या थोड़ा ज़्यादा या कम भी ऐड कर सकते हैं। जब अच्छी तरह से पानी में सभी बेलपत्थर घुल जाए उसके बाद अब हम उसको किसी भी बड़ी छन्नी में छान लेंगे। इस तरह से आप उसको छान लीजिए। सभी गूदा अलग हो जाएगा इस तरह से। इसमें जो जाल होता है उसको हम अलग कर लेंगे छन्नी की मदद से। और इस तरह से छानते हुए इसको अब हम अलग भगोने में निकाल लेंगे, क्योंकि इसे अभी हमें एक बार और घोलना है। सभी इस तरह से छन गया है तो इसको दोबारा थोड़ा सा पानी डालकर मैंने घोल लिया है। अब आप देख सकते हैं गूदा जो है इसके अंदर सिर्फ जाल ही जाल बचा है। जो इसके अंदर बेल पत्थर थी वो सभी हमने निकाल ली है। इस तरह से पानी में आप इसको घोल सकते हैं। मैंने टोटल यहाँ पर 5 गिलास पानी ऐड कर दिया है और अब आप इसको फेंक सकते हैं। जब अच्छी तरह से सभी बेल पत्थर इसके अंदर से निकल जाए तब आप इसको फेंक दीजिए। अभी बेलपत्ता का जूस हम फिर दोबारा से किसी बर्तन में करेंगे। इसके अंदर हम चीनी ऐड करेंगे। बेलपत्ता का जूस थोड़ा मीठा बनता है इसलिए इसमें चीनी थोड़ी ज़्यादा ऐड करनी है। और बेलपत्ता का जूस थोड़ा मीठा ही अच्छा लगता है। बेलपत्ता मीठी नहीं करती है जूस को, इसलिए इसमें चीनी ही ज़्यादा डालनी होती है। मैंने यहाँ पर 15 छोटे चमचे चीनी डाली है। अगर आप चम्मच से डालेंगे तो ये 30 टेबल स्पून चीनी है, इस हिसाब से आप डाल सकते हैं। 1 गिलास में 4 से 5 टेबल स्पून चीनी आप डाल लीजिए और इस तरह से चीनी को घोलेंगे। जब चीनी अच्छे से घुल जाएगी तब इसमें दूध ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर 1 कप दूध ऐड किया है। आपको दूध इसमें ज़्यादा ऐड नहीं करना है वरना बेलपत्ता का जूस सफ़ेद सफ़ेद बन जाएगा, वाइट हो जाएगा। इसके बाद इसमें बर्फ़ ऐड करेंगे। बर्फ़ आप इसमें काफ़ी सारी ऐड कर लीजिए, क्योंकि बेलपत्ता का जूस ठंडा ही अच्छा लगता है। इस तरह से आप इसमें बर्फ़ को भी घोल लीजिए। बर्फ़ अच्छे से घुल जाएगी तब ये सर्व करने के लिए रेडी है। आप इसको सर्व कर सकते हैं। एक बार इस बेलपत्थर के जूस को आप घर पर बनाकर ट्राई ज़रूर करें। आपने शायद मार्केट में पिया होगा तो इतना अच्छा टेस्ट आपको नहीं आएगा, क्योंकि वो लोग दूध भी ऐड नहीं कर पाते हैं और चीज़ भी मार्केट में चीनी वगैरह सब चीज़ वो कम ही डालते हैं। आप एक बार घर पर इस तरह से बनाएं, गाढ़ा जूस बनेगा, मीठा बनेगा और काफ़ी टेस्टी ये बनने वाला है। आप इसको एक बार बनाकर ट्राई जरूर करें और मुझे कमेंट में फीडबैक ज़रूर दें कि ये जूस कैसा बना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। मैं आपके लिए इसी तरह से रोज़ यम्मी टेस्टी रेसिपी लेकर आता रहूँगा। इसी तरह से यम्मी टेस्टी रेसिपी घर पर बनाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल छवि यम्मी रेसिपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और मैं सभी चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हैं या आप नीचे दिए गए मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या आप मुझे वीडियो पर कमेंट करके भी कुछ भी चीज़ें पूछ सकते हैं।